हरि ओम। प्रथम स्कंद अष्टमोध्याय षोडशतम श्लोक मंस्थ्येतदाश्चर्य सर्वाश्चर्यमयेच्युते सर्वाश्चर्यमयेच्युते यइदं मायया दिव्या सृजत्यवति हन्त्यजः। हे शौनक जी, आप इस बात को आश्चर्य में मत लीजिएगा, आश्चर्य मत मानिएगा। ऐसे कैसे हो गया? अपनी माया से उत्तरा जी के गर्भ को ढक लिया और वैष्णव तेज के सामने ब्रह्माश्र शांत हो गया। ये सब कैसे हो सकता है भला? मुझे तो आश्चर्य लग रहा है। ऐसा कभी मत मानिएगा। एतद आश्चर्यम इति मामंस्थाः, आप तो मत मानना, क्योंकि परमात्मा स्वयं सर्वाश्चर्यमय है। सर्वाश्चर्यमय अच्युते, कौन सा आश्चर्य नहीं हो सकता है? आश्चर्य का स्वरूप कोई पूछे तो भगवान स्वयं है। उनकी सारी लीलाओं में आश्चर्यता होती है, और इसीलिए तो भागवत जी और कृष्ण चरित्र श्रद्धा का विषय है। यदि श्रद्धा नहीं है तो स्वाभाविकतया शंका भी होगी, आश्चर्यता भी होगी, और शंका और आश्चर्यता ये दोनों के में अधःपतन होता है। दृढ़ता पूर्वक, एकनिष्ठ भक्ति पूर्वक भगवान की सारी लीलाओं में हमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए, लेकिन भगवान के ऐश्वर्य का दर्शन करना चाहिए। हम ऐश्वर्य का दर्शन करेंगे तो आश्चर्य नहीं रहेगा, आश्चर्य का दर्शन करेंगे तो ऐश्वर्य नहीं समझ पाएंगे। हे भृगुश्रेष्ठ, हे शौनक जी, क्या कहूं? यदि स्वयं परमात्मा ही आश्चर्य का स्वरूप है, मूर्तमंत स्वरूप है, क्योंकि मैं आपको एक उदाहरण दूं, समझाऊं। भगवान अजह है, भगवान जन्म नहीं लेते हैं, फिर भी माया के साथ रखते हुए, अथवा तो माया को साथ रखते हुए माया के द्वारा ये सारे संसार को, इदम विश्वम माया देव्या सृजति अवति हन्ति, सर्जन भी करते हैं। अब जब खुद अज है फिर भी सर्जन करते हैं, वही अवति रक्षण करते हैं और वही हंती। इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। परम कृपालु परमात्मा ही सर्व शक्तिमान और सर्व आश्चर्यमय अच्युत है। ऐसे भगवान के चरणों में बारंबार प्रणाम करना चाहिए। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम मामा हरि शरणम।